नमस्कार मित्रों। देखिए, बहुत सारे सवाल जो हम हमारे कमेंट सेक्शन में और निजी तौर पे पूछे जा रहे हैं, उनमें से बहुतायत बार सवाल पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम्स, और जिसके अंतर्गत उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग UK SSC द्वारा जो भी एग्जाम करवाए जाने थे, यानी जो वैकेंसीज पहले निकाली गई थी, उनके एग्जाम की टेंटेटिव या उनके एग्जाम की डेट को लेके बात हो रही थी और सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर ये कब तक होगा और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो उस पर मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ और जो जो कैलकुलेशन के हिसाब से है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा LT की परीक्षा आयोजित की जानी थी, तो LT की परीक्षा आयोजित की जानी थी तो उसका डेट फिक्स हो गया था। अब उसका डेट फिक्स हो गया था तो उसी बीच में थोड़ा कोरोना की लहर तरीके से चल भी रही थी, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने जो चाहते थे कि एग्जाम थोड़ा लेट से हो, और पता नहीं क्या वजह उनकी थी, क्या क्या उनका मकसद था उसे करने का, तो उससे क्या हुआ कि वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। जो उसकी पहले की तिथि निर्धारित की गई थी कोरोना से पहले, उसमें उस एग्जाम ने हो जाना था, इतना बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती। अब कोरोना अप्रैल मई जून का महीना भी स्वाभाविक से इसमें जाने की गुंजाइश है और संभव तो है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर अनलॉक या कर्फ्यू हटाने थोड़ा ढील देने की बात की जाती है। इस प्रकार से जो ये परीक्षा है, फिलहाल जून तक कोई ऐसी संभावना बनती भी नहीं दिखी कि जून तक तो होगा ये परीक्षा, लेकिन जुलाई में होने के पर भी इसमें संदेह के बादल इसलिए हैं कि ऐसा माना जा रहा था कि जुलाई जून के बाद एग्जाम हो सकता है, तो जुलाई में होने पर भी इसमें संदेह के बादल हैं, क्योंकि जुलाई माह में उत्तराखंड बोर्ड या CBSE बोर्ड के एग्जाम, 12th के एग्जाम भी करवाने कंडक्ट करने हैं, और उसके बाद बरसात का मौसम और जो संभव नहीं हो पाता है, तो सितंबर का महीना मुफीद माना जाता है एग्जाम के लिए। LT परीक्षा का जो एग्जामिनेशन है उसका जो संभावना थी कि वो सितंबर माह में हो सकता है, लेकिन एक आस पहले होने के लिए ये भी जगी, क्योंकि आप जानते हैं कि LT जो परीक्षा है, यानी सहायक अध्यापक LT ग्रेड की जो परीक्षा है उत्तराखंड में, उसका सब चीज ओके हो गया था, एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले थे, एग्जाम होने ही वाले थे। अब ये सितंबर में होंगे, हो सकते हैं भविष्य में आने वाले टाइम में। उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि पिछले साल का अगर हम 2020 का लें, तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा कोरोना की पहली लहर में अपने एग्जाम जो खोले गए थे वो सितंबर माह से खोले गए थे, और सितंबर माह से एग्जाम करवाना शुरू किया गया था, जो भी भर्तियां उसने निकाली थी। चूंकि LT का लगभग लगभग सभी चीज तैयार है, बस थोड़ी सी जहां पर इस प्रकार के कंडीशंस बनेगी कि जहाँ पे एग्जाम हो जाए तो वहाँ पे LT का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एक उम्मीद बनी है, उम्मीद इस मायने में बनी है कि जो भी जितने भी ग्रुप सी के पेपर हैं, LT का मैं इसलिए संदर्भ ले रहा हूँ कि LT का लगभग लगभग फाइनल था, ग्रुप सी के जो पद थे, कनिष्ठ सहायक के जो पद थे, ग्रेजुएट लेवल या 12th स्टैंडर्ड के जो पद थे, उनका जून तक उनके एग्जाम हो जाने थे। अब वो भी नहीं होंगे, जब जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से, लेकिन अब थोड़ा उम्मीद इसलिए बन पड़ी है क्योंकि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद UPTER ने, आप जानते हैं कि नर्सिंग नर्सेज स्टाफ नर्सेज का जो उत्तराखंड में है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टाफ नर्स की जो भर्ती है वो इसी बीच में कराने का निर्णय लिया। हाँ, हालांकि उसके पीछे का मकसद ये है कि कोरोना काल में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि नर्सों का ही एक बड़ा योगदान है, उनका अकेले में एक बड़ा योगदान है हॉस्पिटल्स में कार्य करने का, वैक्सीनेशन में, या जो कोरोना के मरीज थे उन्हें देखने का, है ना। तो बेसिकली नर्सिंग स्टाफ और जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो नीचे का स्टाफ है वो ज्यादा इसमें सक्रिय था, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं, तो इसलिए उनकी जरूरत को देखते हुए उनका एग्जाम पहले मई में होना था, पर मई में होने के पीछे एक कोरोना का जो इशू था, और वो भी महानगरों में परीक्षा दो ही केंद्र बनाए हुए थे, सबसे बड़ी चैलेंज ये थी, तो एक केंद्र देहरादून की तरफ था और एक हल्द्वानी की तरफ। तो अब इसमें सरकार ने निर्णय लिया
कि सरकार ने ये भी कहा कि रोडवेज की जिला मुख्यालय से रोडवेज की बसें देहरादून के लिए चलेंगी और वहाँ या गढ़वा कुमाऊं मंडल से हल्द्वानी के लिए चलेंगी, तो वहाँ पे एग्जाम देंगे। लेकिन उसमें एक बड़ा संक्रमण होने का खतरा था क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते और दूसरा सरकार के लिए एक खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता क्योंकि सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा उपलब्ध करवा रही थी। अब सरकार प्रत्येक जनपद में एग्जाम सेंटर बना रही है जिससे संक्रमण का खतरा भी कम होगा क्योंकि स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं वो कम पहुंचेंगे और उसके साथ साथ सरकार का खर्चा और अभ्यर्थी का समय भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। अब इसके नर्सिंग के एग्जाम होने के बाद जो उम्मीद जताई जा रही है कि जो इन पर से जो शंका के बादल हैं वो हटेंगे और एलटी परीक्षा का एग्जाम होगा, तो माना जा रहा है कि सितंबर में जो है एलटी परीक्षा का जो एग्जामिनेशन होने के अभी के प्रबल चांसेस हैं। लेकिन उसमें एक चीज और है कि जो कोरोना की थर्ड वेव है, थर्ड वेव की आशंकाएं जताई जा रही हैं, हालांकि उसे डॉक्टर्स जो एम्स के डायरेक्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने उसे पहले तो कहा कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, फिर बाद में उसे ना कहा कि नहीं आएगी, कोई नया नहीं होगा, बस यही रहेगा अगर कोरोना आएगा लौट के, तो उसमें भी थोड़ा सा अब एक अच्छी बात हो गई है। तो कुल मिलाकर परीक्षाएं सितंबर के महीने में आयोजित किए जाने का एलटी का बात ग्रुप सी की है, 854 पद या 12th लेवल के जो पद हैं उन पदों पर कब तक होंगे ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं 854 जो ग्रेजुएट लेवल के पद हैं जिसमें वीडियो है, वीपीडीओ है और जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी है इत्यादि जो ठीक ठाक पद हैं, अच्छे पद हैं, उन पदों पर जो भर्ती है उसके लिए 2 लाख के आसपास आवेदन या उससे अधिक आवेदन पहुंचे हैं। तो जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट होने वाले हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उनका भी तो दायित्व तो है। अब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य राज्यों में हो, सर कोरोना तो चल ही रहा है, वो तो एक दंश है ही है, लेकिन उससे बचते हुए एक कैंपेन भी चलाया जा सकता है कि भाई ये एग्जाम है उत्तराखंड ग्रुप सी जो एग्जाम है उसको समय से करवाया जाए, उसमें पार्टिसिपेट अगर ये 2 लाख लोग, 2 लाख में से अगर 10,000 लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, सरकार तक बात पहुंचेगी क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है। उसमें स्टूडेंट को भी सक्रिय होना पड़ेगा, अगर ये नहीं कि उत्तराखंड अधिसूचना सेवा चयन आयोग या उत्तराखंड सरकार या केंद्र की सरकार पेपर खुद करवाएगी, वो तो जग जाहिर है कि वो रोजगार के प्रति कितना सचेत है ना। दूसरी बड़ी बात कि जितने भी पद आने वाले थे, पटवारी के पद आने वाले थे, उन सब पदों के लिए या जितने भी पद आने वाले थे उस पर एक अलग से वीडियो चर्चा करेंगे, उन पदों के लिए भी जित स्टूडेंट है जो पार्टिसिपेंट है उसका एक्टिव होना, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या जिस भी माध्यम से या न्यूज़पेपर डिबेट के थ्रू, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार तक जब आवाज पहुंचेगी सरकार तो ही सरकार समय से करेगी, होगा तो जब होगा लेकिन समय से चाहिए ना, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ये सेशन था इसमें हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में जो एलटी का एग्जाम है वो सितंबर में होने की प्रबल संभावनाएं हैं, बाकी डिपेंड करता है कि कोई समस्या ना आए, कोरोना का वेव ना आए या यही कोरोना कहीं उठ ना जाए, तो बहुत सारे इश्यूज हैं, एक संभावना है। और ग्रुप सी के एग्जाम भी उसके बाद होंगे, लेकिन स्टूडेंट का जो एक्टिव रहना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस केस में। अगर आपको कोई सवाल है इससे संबंधित, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं से संबंधित या कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा।